थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। चलो जी, चलो क्या बैग है आपका? ये बनी हमारे कठुआ जिले का दूरदराज का थाना है और मैं पहले भी यहाँ का चक्कर लिया था ताकि यहाँ का एक इलाके का जो माहौल है, सिचुएशन है, उसका जायज़ा लिया जा सके और लोगों के साथ लोगों की मुश्किलात, उनके जो ग्रीवांसेज है उनका जायज़ा लिया जा सके। तो आज हम लोग आए, पब्लिक मीटिंग भी करी, थाने का क्राइम का रिव्यू भी लिया, थाने के क्राइम की हालत भी देखी, ओवरऑल इलाके की सिचुएशन का भी रिव्यू लिया। मुझे खुशी है कि कठुआ का ज़िला पूरी तरह जो है वो अमन और शांति के ज़िले का प्रतीक है और जहाँ का भाईचारा आपस में हिंदू मुस्लिम बड़ा स्ट्रांग है, लोग बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं, लोग सीधे हैं, सादे हैं और अपनी मेहनत मजदूरी ज़्यादातर उसके ऊपर इनकी रोजी रोटी जो मुअसर होती है। और मुझे लगता है कि कुल मिला के जो इलाके के हालात जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। फिर भी हम लोग पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से पूरी चौकसी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बिल्कुल बगल में हमारे हिमाचल के साथ बॉर्डर है, इसके आगे डोडा ज़िला आता है जो कभी मिल्टनसी के साथ काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड था, इसके कुछ ज़िले के साथ मिले हुए उधमपुर के इलाके कभी कॉमन मिल्टनसी से अफेक्टेड एरियाज़ थे। तो इस इलाके के अंदर पूरी तरीके से पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी नज़र बनाए हुए हैं और मुझे खुशी है कि ये कुल मिलाकर के इलाके के हालात बड़े अच्छे हैं। क्या मुख्य ग्रीवेंस है लोगों ने बताया? लोगों का कुल मिलाकर के जो जहां पर सिलसिला है वो स्पेशल भर्ती वगैरह की मांग करते हैं और ये कहते हैं कि पहले कोई ऐसी भर्ती हुई थी और जिसमें कुछ लोगों को, क्योंकि दूर दराज का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, लोगों को रोज़गार की अदरवाइज़ कमी रहती है। हम लोग कोशिश करते हैं कि जब भी भर्ती हो तो ऐसे इलाकों को भी बराबर रिप्रेजेंटेशन मिले, आइंदा भी जब भर्ती होगी तो उसमें पूरा ख्याल रखेंगे। एक पेंडिंग केस था जो एसपीओ का, उसको ऑन द स्पॉट हमने ऑर्डर दिया है, लोगों ने उस बात की तारीफ़ करी, बट कुल मिलाकर के लोगों ने पुलिस की वर्किंग की बहुत सराहना की है जिससे मुझे खुशी है। सर, आए दिन पाकिस्तान की तरफ से कुछ युवाओं को बरगलाने की कोशिश की जाती है, हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस काफ़ी सतर्क है, क्या संदेश जो है सर युवाओं को देना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान के घर में अपने आग लगी हुई है और जहाँ की शांति, तरक्की, खुशहाली को देख करके पाकिस्तान और उसकी एजेंसियों के पेट में दर्द काफ़ी रहता है और उनकी कोशिश रहती है कि जहाँ पर भी पहले जैसे हालात कभी मिल्टनसी के दौर में हुआ करते थे उस तरह के हालात यहाँ पर फिर से पैदा करें। मगर मुझे खुशी, लोग भी सतर्क हैं, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज मिल करके एक सिक्योरिटी ग्रिड मजबूत यहाँ पर ग्राउंड पर अपनी वो कैम करी हुई है और उनकी साजिशें ज़रूर हैं, कोशिशें होती हैं, काफ़ी नाकाम की जाती हैं, कोशिशें अभी भी जारी हैं, उनको भी नाकाम किया जाएगा, उसके लिए प्रयास हमारे हमले के बाद जो हालात हैं अभी कैसे? अच्छे हैं, हालात अच्छे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस कॉन्स्टेबल की भर्ती काफ़ी लंबे अरसे से नहीं हुई है, पहले जम्मू कश्मीर पुलिस की भर्ती पुलिस डिपार्टमेंट खुद किया करता था, इसमें एक नया तजर्बा हुआ है, ये भर्ती जो है किसी और महकमे को दी गई और जब से दी गई है तब से लेके अभी तक भर्ती नहीं हो पाई है। हमारे पास 4000 से ज़्यादा वैकेंसी हो गई है और उस वैकेंसी की जगह से ओवरऑल जो डेफिशिएंसी है पुलिस के रैंक्स की, वो सब जगह पे महसूस